अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्टार्स एकेडमी लाहौर गुलाम कादिर कैंपस। कैसे हैं स्टूडेंट्स आप लोग? ओके स्टूडेंट्स, हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में एक्सरसाइज नंबर 1.1 कंप्लीट कर ली थी। आज हम लोग एक्सरसाइज नंबर 1.2 करेंगे। उसका हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 में वो हमें कह रहे हैं कि इफ़ 45% ऑफ द स्टूडेंट्स इन आ स्कूल गर्ल्स हैं, ठीक है। नंबर्स ऑफ स्कूल है एक, उसमें हमारे पास 45% वो कह रहे हैं गर्ल्स हैं और परसेंटेज ऑलरेडी उन्होंने दी गई है, ठीक है। आप सबको पता है कि टोटल स्ट्रेंथ हमारे पास 100 होती है, मतलब कि कोई भी परसेंटेज की वैल्यू हो, परसेंटेज की वैल्यू चेंज नहीं होती, परसेंटेज की वैल्यू मेरे पास क्या 100 ही रहती है। तो इन्होंने यहाँ पर हम लोग को क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा था कि गर्ल्स की जो नंबर्स ऑफ गर्ल्स जो हैं स्कूल में हमारे पास 45% है। तो चलें हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 सबसे पहले उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने खुद ही हम लोग को गर्ल्स की वैल्यू दे दी थी, नंबर्स ऑफ गर्ल्स। नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी थी मेरे पास, 45%। ओके स्टूडेंट्स, फाइंड क्या करना था हम लोगों ने, बॉयज की कितनी स्ट्रेंथ है हमारे पास, नंबर्स ऑफ बॉयज कितने हैं हमारे पास स्कूल में, नंबर्स ऑफ बॉयज हम लोगों ने फाइंड करनी है। बॉयज क्या करनी है, फाइंड। तो यहाँ पर मैं क्वेश्चन मार्क रख दूंगी। ओके स्टूडेंट्स, आप सबको पता है कि मेरे पास परसेंटेज की वैल्यू 100 होती है, तो यहाँ पर टोटल स्ट्रेंथ मेरे पास बनेगी 100। टोटल परसेंटेज मेरे पास कितनी है, 100। ओके स्टूडेंट्स, तो फाइंड हम लोगों ने क्या करना है, नंबर्स ऑफ बॉयज इन आर स्कूल। तो मैं यहाँ पर देखिए क्या करूँगी, सिंपल सा क्वेश्चन है, हम लोगों ने क्या करना, नंबर्स ऑफ गर्ल्स हैं, नंबर्स ऑफ बॉयज फाइंड करने हैं, नंबर्स ऑफ परसेंटेज मेरे पास 100 है। यहाँ पर मैं सिंपल करूँगी, 100% में से माइनस कर दूंगी 45 को। तो जब मैंने 100 में से 45 को मैंने माइनस किया तो मेरे पास आ गया 55। तो ये मेरे पास क्या है, 55%। मुझे पता चल गया कि नंबर्स ऑफ बॉयज इन आ स्कूल में कितने हैं, 55%, नंबर ऑफ बॉयज, ठीक है, इन आ स्कूल मेरे पास 55% और यही मेरे पास क्या है, इसका आंसर है। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 भी मेरे पास सेम एज इट इज़ ऐसे ही है। उसमें भी हम लोगों ने सिंपल माइनस करना है, परसेंटेज की वैल्यू हम लोगों को पता है 100% की वैल्यू है और उसको हम लोगों ने सिंपल फाइंड आउट कर लेना है। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 है मेरे पास। क्वेश्चन नंबर 3 में उन्होंने पूछा है मैच के बारे में, हॉकी मैच के बारे में। आप लोगों को इसलिए इंग्लिश में ट्रांसलेट नहीं करी क्योंकि कुछ बच्चों का मैच जो है वो उर्दू में भी है। मैच, हॉकी मैच की बात की है। अब आप सबको पता है जब भी कोई मैच की बात आती है तो मैच में हमेशा 3 चीज़ें हम लोग याद रखते हैं। एक सबसे पहले ये कि एक टीम तो जाहिर सी बात है जीतेगी, दूसरी टीम मैच लॉस होगा उसका, ठीक है। थर्ड चीज़ जो है हमारे पास वो जो मैच है वो ट्राई होता है। लाइक देखें, अब मेरे पास है क्वेश्चन नंबर 3 में वो कह रहे हैं हॉकी मैच 1 किया है, विन द मैचेस, हॉकी टीम विन द मैचेस, कितने उन्होंने मैचेस विन किया है, यहां उन्होंने हमें बता दिया 62% उन्होंने विन किया। उसके बाद वो क्या कहते हैं, हॉकी मैच हो गया, विन कर लिया। उसके बाद सेकंड चीज़ क्या होता है कि कितने लोग हारे हैं, हार जीत होती है, जीते कितने हैं मेरे पास, 62 मेरे पास जीते हैं, ठीक है। अब उन्होंने फाइंड क्या करना है, लॉस मैचेस,
लॉस मैचेस फाइंड करने हैं, ठीक है। अब उन्होंने थर्ड चीज हमें बता दिया कि मैचेस जो है मेरे पास ड्रा भी हुए हैं, सम करेंगे 62% प्लस 62 प्लस 26, मैं यहाँ आप लोगों के पास ऐसे ही कर रही हूँ, 6 8 और ये भी 8, 88 मेरे पास इसका सम क्या आ गया, 88%। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोगों को सबको पता है कि परसेंटेज की वैल्यू मेरे पास क्या होती है, 100% की मेरे पास वैल्यू होती है। अब मैंने सेकंड चीज फाइंड करनी है लॉस मैचेस, तो जब मैं लॉस मैचेस फाइंड करूंगी तो क्या करूंगी, परसेंटेज का मेरे पास आ गया 100%, ठीक है, साइड पे लिख देती हूँ परसेंटेज। ओके, क्या करूँगी, 100 माइनस कर दूंगी 88, 100 माइनस 88, कैलकुलेटर पे कर लो या सेपरेट ऐसे ही कर लो, तो मेरे पास यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा 12%, मतलब के इतने मैचेस मेरे पास लॉस हुए हैं। मेरे पास क्या आ गया इसका, यही इसका आंसर है। ओके स्टूडेंट, ये था मेरे पास क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर सेकंड का मैंने आप लोगों को हिंट दे दिया है, वो एज इट इज क्वेश्चन नंबर 1 की तरह। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे।